किया जाए। अखिल गोगोई को जिस तरह से एनएसएस के चलते टारगेट किया गया, इस प्रकार से किसी का उत्पीड़न ना हो, और खास तौर पे भीम आर्मी के हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद रावण को हर कीमत पर रिहा किया जाए। यदि ये बात कहने का अधिकार इस देश के युवा को नहीं, इस देश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, तो मेरा मानना है इस देश की सरकार को खुद से अशेम्ड होना चाहिए। और आज जिस प्रकार से सारे युवा साथ में आकर जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात की, एक बहुत बड़ा संदेश है। आज मीडिया के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी का ये जवाब मांगा है कि सर जी आप कहिए, आप मनुस्मृति को पसंद करते हैं या संविधान को? और यही सवाल लेकर आज अभी 5 लोगों का हमारा एक डेलीगेशन पीएमओ ऑफिस में जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से विनम्रता से उनसे जानना चाहते हैं आखिर इस देश में संविधान के मूल्यों के बजाय मनुस्मृति को मूल्यों को लागू करते हुए दलित, आदिवासी, मुस्लिम, किसान और मजदूर और खास करके युवा वर्ग का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? आपने नंबर दिया है।